भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, बट ऑब्वियस बात तो कुछ शक्ति जरूर रखी होगी आपने। मैं संजय टंडन जी से मिला, उनसे मिला, उन्होंने भी पूछा कि हाँ आप बड़ी पोस्ट छोड़ के आए हो कोई आपको। मैंने कहा मुझे हाँ कुछ नहीं चाहिए, मगर फिर उनसे मैंने बोला कि हाँ मुझे एक चीज चाहिए, तो कहने हंस के बड़ा हंसी वाला मिजाज उनका, हंस के बोले भी हाँ बड़ी की चाहिए था। तो मैंने कहा मेरे को इज्जत चाहिए। जो लोग चंडीगढ़ में काम कर रहे थे उनको पता भी नहीं कि मनीष तिवारी जी है कौन। भाई सच में मुझे नहीं पता, मैं जिला अध्यक्ष था, 18 सालों से काम कर रहा था पार्टी के लिए, एक भी कहीं वो प्रोटेस्ट में आए थे चंडीगढ़ में? 18 साल दिए हैं, और उस टाइम पे जब पार्टी के साथ दो लोग भी नहीं खड़े होते थे तो 200-300 लोग लेके आता रहा हूँ पार्टी में। हर मुद्दे पे लड़ाई भी लड़ी गई, जो कि कैसे शब्द लिखे गए हैं अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि उनको बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी जगह पे उनके प्राइवेट पार्ट भी उन्हें हिट किया है। वो प्रियंका गांधी सिस्टर जी से ये कहना चाहूंगा कि आज ही आपको अलायंस तोड़ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्ता और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों चुनावी चर्चा की कड़ी में आज हमारे साथ चंडीगढ़ के यूथ आइकॉन प्रवीण नारंग उर्फ बंटी। बंटी जी जिनका यूथ जो है उनको चंडीगढ़ का सारा यूथ उनको फॉलो करता है, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो लाखों फॉलोअर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए। वो पिछले 18 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, जिला अध्यक्ष रहे, और पिछले दिनों उन्होंने कुछ नाराजगियों की वजह से बीजेपी ज्वाइन की, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और आज वो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं क्या कारण रहे हैं कि इतने साल कांग्रेस में रहने के बावजूद भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पिछले 11 साल से बहुत सारे मरीजों की मदद की, कोरोना के टाइम पे उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। आज हम बात करते हैं प्रवीण नारंग और बंटी जी से। बंटी जी स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बंटी जी 18 साल आप कांग्रेस के साथ रहे जी, जिला अध्यक्ष रहे जी, कांग्रेस ने आपको सम्मान भी दिया। बिल्कुल, आप आंदोलन करते थे तो सबसे पहले आप होते थे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होते थे तो आप आगे होते थे जी। फिर एकदम से लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पास आके पार्टी बदल लेना, इसका क्या कारण रहा है? देखो कारण तो कोई ना कोई रहा होगा, अगर एक पार्टी के साथ आदमी जुड़ता है, जब किसी के साथ बहुत लंबा सफर काटता है, वो भी अच्छा बुरा टाइम उस पार्टी के साथ दिया हमने, तो हाँ नाराजगी तो है, बिल्कुल है, रही होगी नाराजगी तभी उस पार्टी को छोड़ा। मगर अब उस पार्टी को छोड़ा है तो अब हम उन चीजों के बारे में नहीं ज्यादा सोचना चाहते। नहीं देखिए, जनरली जब आप मंच से बात करते हैं आप कहते हैं कि पार्टी मेरी माँ है, मैं पार्टी के लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो ये दल बदल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों, आप क्या माँ बदल लेते हैं? देखो ये ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, अगर घर में भी अगर किसी को उस तरीके की इज्जत नहीं होती तो आप समझते हो ना, दो बेटे होते हैं तो उनमें से अगर कहीं ऐसा फर्क रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं घर से बाहर होने की कोशिश करता है। तो ये मेरा घर था, नो डाउट, मैं इसे नहीं मानता कि वो मेरा घर नहीं था, बहुत मेहनत की, ईमानदारी से 18 साल की है, दिन नहीं देखा रात नहीं देखी, जब मेरे पार्टी को मेरी जरूरत रही है मैं वहां पहुंचा हूं, जब मेरे लोगों को मेरी जरूरत रही है मैं वहां पहुंचा हूं, मगर मेरे जो लोग हैं उनसे मेरी बहुत सारी कमिटमेंट है, तो वो वहां पे रह के अब कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकती थी। सबसे पहले तो मेरा नाराजगी वहां से ही शुरू हो गई थी कि जिस पार्टी ने हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने हमारे को जीरो कर दिया, यहां से लेके चाहे अन्ना आंदोलन का टाइम से शुरू हो, अरविंद केजरीवाल वहां से निकले हैं, उन लोगों की पार्टी ने आज कांग्रेस को यहां तक लाने की नौबत वहीं तक उस वजह से ही हुई है। चाहे यहां पर भी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन रहे, वहां तो एक दूसरे के साथ आप लड़ाई लड़ रहे थे, इतनी लड़ाई लड़ रहे थे कि आप एक दूसरे के सामने ऐसे शब्दावली यूज करते थे कि हम बता नहीं सकते। अलायंस हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, वो सबसे बड़ा कारण रहा आपका पार्टी छोड़ने का? पहला कारण वही था, उसके अलावा दूसरा कारण शायद पवन बांसल जी को टिकट ना मिलना या मनीष तिवारी जी को टिकट मिल जाना, क्या ये भी कारण रहा है इसके पीछे? देखो मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि किसी को मिली किसी को नहीं मिली, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग चंडीगढ़ में काम कर रहे थे उनको पता भी नहीं कि मनीष तिवारी जी है कौन। भाई सच में मुझे नहीं पता, मैं जिला अध्यक्ष था, 18 सालों से काम कर रहा था पार्टी के लिए, एक भी कहीं वो प्रोटेस्ट में आए थे चंडीगढ़ में, कभी एक भी कहीं जगह वो पहुंचे,
हमारे साथ रूबरू हुए, कभी किसी कार्यकर्ता के साथ वो रूबरू हुए, तो वो क्या लगते थे चंडीगढ़ में, एकदम से आके उन्हें टिकट कैसे दी गई, ये बिल्कुल नाराजगी जायज है। और मुझे ये भी पता लगा है कि हमारे ही कुछ अपने लोगों ने उस टाइम पे जो हमारी पार्टी में थे, आज तो मेरी पार्टी ये है तो इसके लिए मेरा जीना मरना सब इसी के लिए है, ईमानदारी से काम करूंगा, उस टाइम पे जो पार्टी थी उसके साथ जो प्रधान जुड़े हुए थे उन्होंने ही वहां पे आंकड़े तोड़ मरोड़ कर सेंटर में ऐसे तरीके से पहुंचाए गए कि यहाँ पे सब कुछ खराब कर दिया। सर्वे आप ये कहना चाहते हैं जो सर्वे हुआ है तो वो प्रॉपर नहीं हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, कल तक जब किसी आदमी का नाम ही नहीं है, माफ करना आज आपने बुलाया तो मैं आया, अगर मैं किसी बात की बात करूं जो कोई आपको जानता ही नहीं, आप किसी की भी यहां बुला के इंटरव्यू करवा दोगे जो आपको पता नहीं है? बस मैं इतना पूछ, देखिए कोई नो न होगा जिसको पब्लिक जानती है, पब्लिक फिगर है, हम तो उसी को स्टूडियो में बुलाते हैं। आप 18 साल मतलब एक लंबा अरसा होता है आप पार्टी के साथ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है आपका हाई कमांड के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, ऊपर के लोग मतलब जैसे सुना गया कि बंसल साहब को बड़ा आश्वासन दिया गया टिकट के लिए, फिर उनके बेटे का नाम भी आता रहा टिकट के लिए, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो सारे समीकरण चेंज हो गए, तो उसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे? देखो इतना नहीं मैं बता सकता क्योंकि मैं एक वो कार्यकर्ता था जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा हूँ, अपने एरिया में रहा हूँ, जो मेरा जिला था उसमें काम करता रहा था, मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, मगर जो आंकड़े बताते हैं कल तक के जो जो टिकट मिलने से पहले तक के जो माहौल था वहां पे तो वो कहीं थे ही नहीं, तो उनको टिकट क्यों दी गई? ये नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है, रहेगी, क्योंकि उन्होंने गलत किया है और उस चीज का उन्हें खमजाना भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा बंटी जी देखो, जो लोकसभा चुनाव होते हैं ये कहीं ना कहीं राष्ट्र मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं जी, राष्ट्र मुद्दे हावी रहते हैं इस पे, क्योंकि ये नेशन के राष्ट्र के इलेक्शंस होते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि लोकल मुद्दों की बात करें तो उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते, उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लोकल मुद्दे जब रहेंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ था, तो आपका एकदम से पार्टी बदलना क्या कहीं ना कहीं आपके समर्थकों पे उसका बुरा असर नहीं पड़ा? कल मेरा प्रोग्राम था फैदा निजामपुर में, तो आप उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही है आप देखना, तो एक सद्दे पे उन्हें बुलाया, वो सारे लोग जो वहां पे थे, वो जो कांग्रेस में भी थे, वो भी साथ के साथ आके खड़े हो गए, साथ के साथ उन्होंने रिजाइन भी दिए, और पार्टी के लिए ऐसा प्रोग्राम हुआ कि जिससे बहुत मतलब लोगों को अच्छा लगा कि हाँ वो सभी लोग साथ थे, मुझे भी अच्छा लगा, वो उस इंसान के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि हम उस इंसान के साथ जुड़े हुए थे जो उनके साथ रात दिन खड़ा होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो पार्टी में कुछ कहीं पर है या नहीं, तो मुझे भी इस चीज की बहुत खुशी हुई कि जो मेरे लोग थे, जो मेरे साथी थे, जिनके लिए मैंने अपना टाइम दिया, उन्होंने भी मुझे उतना ही टाइम दिया, आज उनकी बदौलत मतलब इस पार्टी में मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है जो कि मैं उनका सारी जिंदगी भर आभारी रहूंगा, और मैं उनका कभी इस चीज के लिए देनदारी दे नहीं सकता मैं अपने लोगों की। नहीं ये बातें तो आप पिछली जो पार्टी थी उसमें खड़े होकर भी जब आप स्टेज पे खड़े होते तो यही बातें करते थे, तो आने वाला कल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कल कोई फिर से आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप फिर से पार्टी बदल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, 18 साल दिए हैं, और उस टाइम पे जब पार्टी के साथ दो लोग भी नहीं खड़े होते थे तो 200-300 लोग लेके आता रहा हूं पार्टी में, हर मुद्दे पे लड़ाई भी लड़ी है, ये नहीं है कि ये इंसान कोई डरपोक है, कोई इसे दबा लेगा या इसे कोई खरीद लेगा, ऐसा नहीं है, मगर अपनी विचारधारा होती है, आज के टाइम पे जो लोगों की सोच भी है, जो मैं अभी मानता हूँ इस पार्टी में आके मुझे मालूम हुआ, क्योंकि बंदा उस पार्टी में रहता है इतना नहीं सोचते, मगर देश की बात करें, विदेशों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता, प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत नाम ऊंचा किया है, आज चाहे आर्मी की बात करो, चाहे आज हर जगह पे उनका डंका बोल रहा है और लोग उसे पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। और देखो पहले होता था जब मेरे पीछे नानके हैं फिरोजपुर में, तो हम लोग जब छोटे होते थे ना तो हम लोग जाते थे तो घर वाले जाने नहीं देते थे, रोते थे कि वो कहते थे वहां पे बम चल जाते हैं, ऐसा मतलब सोचने में मिलता था, बॉर्डर एरिया पे भी रातों को गोलियां चल जाती हैं, ऐसे मतलब डर सा एक डर का माहौल था, मगर इन 10 सालों में वो डर का माहौल उन्होंने निकाला है, और इस वजह से लोग इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जिताना चाहते हैं और उनकी आगे जो बढ़ते हुए कार्य हैं उनको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। अभी आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे या नेशनल मुद्दों की बात कर रहे थे, तो
अभी एक स्वाति मालीवाल वाला जो प्रकरण हुआ, सीएम हाउस में उनकी पिटाई हुई, एक उनकी अपनी मंत्री की, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर वही तो कहना चाह रहा हूं कि ये लोग तो ऐसे हैं जो एक राज्यसभा सांसद है, उसके अलावा भी मैं उन्हें फॉलो करता था स्वाति मालीवाल को, क्योंकि वो समाज सेवा के भी काम करते हैं। मैं उन्हें काफी टाइम से देखता रहता हूं कि वो आम लोगों में जाते हैं, देखते हैं, उनकी सेवा भी करते रहे हैं। तो उस वे से मैं उन्हें आम आदमी की पार्टी की वजह से नहीं जानता था, मगर उनके जो कार्य थे, जो लोगों में जाते थे, क्योंकि हम भी वैसे ही काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता था कि एक महिला इतने अच्छे से काम कर रही है। अगर ऐसी महिला ही सेफ नहीं है उनकी पार्टी की, जो राज्यसभा सांसद भी है, तो आप ये सोचिए कि अगर ऐसे लोगों को मौका मिलता है तो देश का क्या हाल होगा। जो एक महिला सांसद रहते हुए उसके बाद उनकी ऐसी पिटाई की उन्होंने, मतलब मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जो कि कैसे शब्द लिखे गए हैं अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि उनको बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी जगहों पे उनके प्राइवेट पार्ट्स तक भी उन्हें हिट किया है, उनको बिल्कुल ऐसी व्यवस्था में किया गया है, जो कि एक, जो मैं इस बात के लिए एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी बहन प्रियंका गांधी जी हैं, जो इस पार्टी के साथ जिन्होंने अलायंस भी किया हुआ है, मैं बहन की भी बहुत इज्जत करता हूं, उन्हें एक बात कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अगर आपने एक नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपकी पार्टी वाले उन पार्टी के साथ अलायंस करके बैठे हैं जो एक महिला सांसद के साथ ऐसा हाल किया है। अगर आप लोगों में आज, मैं आपकी इज्जत करता था और आज भी थोड़ी बहुत बहन मानता है, बाद में किसी को कह देता है तो उसे बहन जैसे ही मानता है, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा अगर आप में थोड़ी सी भी है ना, तो इस पार्टी के साथ आज ही अलायंस तोड़ना चाहिए आपको, क्योंकि जिस पार्टी ने महिलाओं के साथ ऐसा, मतलब ऐसा हाल किया, ऐसा हाल किया, तो वो क्या देश में आपके साथ रह के वो क्या हाल करेंगे। आज के टाइम पे जिस पार्टी में महिला ही सेफ नहीं है, मातृ शक्ति सेफ नहीं है, बहन शक्ति सेफ नहीं है, तो ऐसी पार्टी के साथ क्या आप गठजोड़ करके 2-4-10 सीटें बढ़ा भी लोगे, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आज ही मैं प्रियंका गांधी सिस्टर जी से ये कहना चाहूंगा कि आज ही आपको अलायंस तोड़ देना चाहिए इसके साथ। मैं फिर से आता हूं द्वारा आप पर, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मैं द्वारा से वहीं आता हूं फिर से, आप जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस में, तो जब आप भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, बट ऑब्वियस सी बात है कुछ शक्तियां जरूर रखी होगी आपने भी, या आपको कुछ ना कुछ प्रलोभन वहां से भी मिला हो सकता है, तो यहां आप जिला अध्यक्ष थे, वहां आपको कौन सी डेजिग्नेशन मिली है? देखो जी, मैं आपसे बड़ा क्लियर कहता हूं, मैं संजय टंडन जी से मिला था, उनसे मिला, उन्होंने भी पूछा कि हाँ आप बड़ी एक पोस्ट छोड़ के आए हो, कोई आपकी, मैंने कहा मुझे हाँ कुछ नहीं चाहिए, मगर फिर उनसे मैंने बोला कि हाँ मुझे एक चीज चाहिए, तो कहने हंस के, बड़ा हंसी वाला मिजाज है उनका, हंस के बोले भी हाँ बंटी की चाहिए था तेनों, तो मैंने कहा मैंने इज्जत चाहिए थी, ठीक है, मैंने कहा मुझे इज्जत चाहिए, तो क्या थोड़ी सी इज्जत चाहिए, ये सेम वर्ड मैंने उनसे बोला गया कि मुझे थोड़ी सी इज्जत चाहिए, तो उन्होंने हंस के बड़े प्यार से, जो उनका अंदाज है उस अंदाज में उन्होंने बोला कि बंटी मंगता है थोड़ी क्यों मंगता है, पूरी मिलूगी तेन है ना, थोड़ी क्यों मंगता है, बहुत इज्जत मिलूगी, बस यही चीज मांगी है, और उस दिन के बाद उन्होंने वो चीज दी भी है, उसी चीज पे मैं मुरीद भी हूं उनका, और मैं ये कहूंगा कि तो क्या मतलब पिछली पार्टी में आप इतने लंबा अरसा रहे तो वहां क्या इज्जत नहीं मिलती थी आपको? कुछ टाइम से जब से कुछ ऐसे नकली लोग आ गए हैं वहां पे, नकली से मैं जान सकता हूँ नकली लोग कौन है, वो पार्टी सब जानते हैं, मैं आप मेरे से ये मत बुलवाना चाहो, सब समझदार है, आप भी मुस्कुरा रहे हो, आपको मालूम है वो नकली लोग जो भी पार्टी पे कब्जा करके बैठ गए हैं उस पार्टी के ऊपर, वो है, और वो 2-4-10 दिनों में पता भी लग जाएगा कि उनका जो किसी के साथ गलत करता है, जो धोखे से किसी चीज को हथियाता है, वो ज्यादा लंबे समय तक उनके पास नहीं रहती, आपको आने वाले 1-1.5 महीने में वो सब क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा, आज नहीं मैं उस चीज के ऊपर बोलना चाहूंगा। बंटी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें दिल की, और मैं चाहूंगा जैसे यूथ आइकॉन आपके साथ आप बने रहे लोगों के लिए कांग्रेस में, आप भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोगों के लिए यूथ आइकॉन बने रहे, लोग आप ऐसे ही आपको फॉलो करते रहे। थैंक यू वेरी मच।